नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर शहर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के नए मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा लगातार जागरूकता अभियान और स्पॉट फाइंग की कार्यवाही कर रहा है। बावजूद इसके आज पांचवें दिन भी 600 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, जो कि शहर के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इस दौरान निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया है कि कोरोना के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इंदौर नगर निगम द्वारा रोजाना शहर के प्रमुख भीड़ वाले क्षेत्रों में बिना मास्क के लोगों पर चालानी कार्रवाई कर रहा है। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा भी शहर की कई दुकानों और रेस्टोरेंट को सील करने की कार्रवाई भी कर रहा है। दरअसल इंदौर में कोरोना संक्रमण से लोगों को जागरूक करने के लिए इंदौर नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा लोगों को अनाउंसमेंट के माध्यम से समझाइश लगातार दी जा रही है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिसको लेकर निगम द्वारा बिना मास्क लोगों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई भी की जा रही है। नगर निगम की रोजाना लगभग 1500 से 2000 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर रही है। शहर के लोगों को समझने की जरूरत है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें और अगर बहुत जरूरी हो तो ही निकलें। जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें। निगम आयुक्त ने कहा है कि फिलहाल इंदौर में विषम परिस्थितियां हैं, इंदौर वासियों के लिए इस समय थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। हालांकि निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने इंदौर शहर को जागरूकता वाला शहर बताया है, लेकिन इतने जागरूकता अभियान के बावजूद शहर में रोजाना 600 से ज्यादा नए मरीजों का आना चिंता का विषय बना हुआ है। देखिए, कोरोना के केसेस जो अपने यहाँ पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, वायरस का जो स्प्रेड है, तो सभी लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि लगातार लोगों को अनाउंसमेंट, समझाइश के माध्यम से भी निगम काम कर रहा है, लेकिन कई लोग अभी भी लापरवाही करते हुए मास्क नहीं पहन रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, उन पर प्रशासन भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। कई दुकानें, कई रेस्टोरेंट सील करने की कार्रवाई प्रतिदिन चल रही है। इसी प्रकार निगम की जो टीम है वो भी लगभग 1500 से 2000 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई रोज कर रही है। लेकिन ये हम सभी लोगों को आज समझने की ज़रूरत है कि जब ज़रूरत ना हो, यदि हम लोगों को किसी भी कार्य की ज़रूरत नहीं है, तो कृपया घर से बाहर ना निकलें, और अगर निकल रहे हैं तो मास्क पहन के निकलें, हैंड सैनिटाइज करें। क्योंकि इस टाइम पर अगर हम लोगों ने थोड़ा सा धैर्य रख लिया, सबको मालूम है मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, हाथ धोना, हाथ सैनिटाइज करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बचाव है अपने। और इंदौर शहर को अपनी जागरूकता का परिचय देना चाहिए, और ये समय ऐसा है जब अपने काम आपके हैं, ज़रूरी काम है, तो ज़रूर जाएं, सावधानी के साथ जाएं। अपने परिवार के लिए, कम से कम खुद के लिए हम लोग ये सुरक्षा के जो जो माध्यम है उनको जरूर अपनाएं। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।